कवरेज चल रही है। चल को मैं आप लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक गीत के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहूंगी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से पहले हम लोगों की क्या हालत थी। अभी सभी वक्ताओं ने हम लोगों के बीच में बताया कि कैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से पहले हम लोगों को अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता था, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे, अच्छे अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का हक नहीं था और हमारे गले में हड्डी को लटकाया जाता था ताकि हम जमीन पर थूक न सके, इसलिए हमारे गले में हड्डी लटकी होती थी और हमारे कमर पे झाड़ू पत्ती होती थी जिससे हमारे पैरों के निशान जमीन पर ना रहे, उस झाड़ू से मिटते हुए चले जाए। लेकिन मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान के बदौलत हमारे गले से उस हड्डी को तोड़ करके दूर फेंका। आज हमारे गले में टाई लटकती है, हमारे कमर से उस झाड़ू को तोड़ करके दूर फेंका। आज हमारी कमर पर पिस्टल लटकती है। तो ये कमाल मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान के अंदर हम लोगों को दिया, हम लोगों को समानता का अधिकार दिया। इसीलिए एक गीत के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी। Thank you.
अभी करवा रहा हूँ, अभी गीत करवा रहा हूँ। देवेंद्र कुमार पतंग जी चला तू।